अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है? सबकी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आई होप आपको मेरा व्लॉग आज अच्छा लगेगा। टाइटल और थंबनेल देख के आपको तो पता लग गया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। सो नानू का आज जो लास्ट जुमन होता है ना बड़ा, वो ये अभी भी आई थी तो मैंने सोचा पहले सबसे मिल लूँ बुआ वालों से। ये मेरी कज़न है, छोटी कज़न है। देन उसके बाद मैं किचन में आ गई थी तो मम्मा और मम्मा की कज़न ये मीन्स खाना बना रही थी, सालन वगैरह। ये फिश का सालन है जो उनके कज़न बना रही थी और मम्मा ग्रीन सालन बना रही थी। बट दिखने में तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी था। वेल वैसे ही टेस्टी, मज़ा था इसमें माशाल्लाह से, बहुत यमी था। सारे खानों में बहुत ज़्यादा टेस्ट था माशाल्लाह से। अल्लाह इनको हर चीज़ में बरकत डाले। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि मैं ना इसको घुमा रही थी कि तुम घुमा पा रहे हो इतना लंबा इतना बड़ा चौड़ा? तो बोले हाँ, बस एडजस्ट करना पड़ रहा है। वेल ये ग्रीन सालन मम्मा बना रही थी। वेल ये मैंने नहीं खाया था, फिश का सालन ओनली खाया था बस, और गोश्त का सलाम शायद पका था। तो ये उसकी बेटी है, उसके साथ ही किचन में खड़ी रही थी। तो मैंने कहा चलो बेटा तुम अपनी ड्रेस दिखाओ, क्या कर रही हो इधर, बाहर चलो किचन में ना रुको। तो ये निकल ही नहीं रही थी, ये ना बस डरती है सबसे, भागती रहती है, मिलती भी नहीं ज़्यादा, बस चुप के देखती है फिर हमें। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस जस्ट फ्रूट कट करवाया, जस्ट सर्फ यही किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मम्मा वालों ने सारा किया और सिस्टर वालों ने। तो अम्मी यहाँ पे सारे चीज़ें, यहाँ पे बुआ के हॉल है ठीक है ना, रूम के सामने ही हॉल है। तो उसके से हम बैठ गए थे नीचे, सारा एवरीथिंग कट कर रहे थे। ये मेरी सिस्टर व्लॉग बना रही थी, मैं कट कर रही थी क्योंकि ना मुझे ये एक मामला था करने के लिए। तो मैंने बोला कि आप भी व्लॉग शूट कर दो। वेल इसका भी अपना यूट्यूब का चैनल है हयात थॉट्स के नाम से। तो ये ज़्यादा इस व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करती, करती ज़्यादा नहीं करती। तो वेली मुझे तंग कर रही थी, करा तो कुछ नहीं रही थी, ज़्यादा तंग ही कही जा रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ पे बनाना काट रही थी। ये मेरी कज़न वाले हैं जो बैठे हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाबा जी की आंटी है ना, वो भी मेरे साथ ही कट करा रही थी। इसका छोटा बेटा वो हमारे साथ ही खड़ा था जो अभी हयात दिखा रही थी आप लोगों को। तो इधर यही बस चलता रहता है और मम्मा इधर से सालन निकालती जा रही थी। और इसकी हद हद नहीं है, देखो कंट्रोल। ये मेरी छोटी बुआ है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें ये हद ना हो। जैसे मैं काट के डाल रही थी इसमें, ये सारे इसमें ऐड कर दिए। ये सालन थे जो सारे पके थे, ये पता नहीं जो जो सालन होते हैं ना वो सारे पकते हैं लास्ट पर, ये फिश वगैरह जो भी सालन होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सवैयाँ भी पकी थी बट आई डोंट नो, मैंने तो सवैयाँ ना कुछ भी हलवा कुछ नहीं खाया, बस मैंने जस्ट यही सालन खाया जो अभी नहीं निकाल के जा रही थी। तो एवरीथिंग डन हो गया था, मम्मा वालों ने ये सारी चीज़ें निकाल रहे थे। मींस पहले मर्द आते ना उनको ये सालन उनके लिए निकाले जा रहे थे, पहले मर्द खाते फिर वो लड़कियाँ खाती हैं, गर्ल्स खाती हैं ठीक है ना। तो ये उनके लिए निकाले जा रहे थे। तो मैंने अम्मा को बोला कि मैंने सुबह से नाश्ता किया था वो भी टी के साथ बस खलास। तो मैंने बोला मेरे को खाना दो, मैं खाऊं जाके नीचे बैठूं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लोग थे, नीचे ही जगह थी, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरे कज़न्स, मैंने सालन क्या निकाला तो मेरे सारे कज़न ने मेरे ऊपर टाका मार दिया कि मुझे भी खिलाओ मुझे खिलाओ। मेरी सिस्टर रोटी पका रही थी और इधर जूस बन रहा था। तो मैं ना मैं नहीं कर रही थी, वेल जो कर रही थी वो उस लोग पे नहीं आती। तो मैं ना उनकी ऐसे ही लाइक अभी हेल्प कर रही हूँ, जैसे कि ये रोटी बन गई थी मैं लेके जा रही थी अंदर। और ये मम्मा के लिए मैंने बोला मम्मा मुझे सालन निकाल के दे, मुझे भूख लगी। और मम्मा को पता है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं। तो इधर मेरे को फिश का सालन लेके आई थी और ये गोश्त का सालन भी था। आई थिंक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ना, मैं चिकन का खाया, पता नहीं क्यों मैंने चिकन नहीं खाए ना सवैयाँ खाई, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये खाई थी बस, ये भी मैंने रात को खाना नहीं खाया था, ये मैंने दोपहर का खाना खाया था, फिर रात को कुछ खाया ही नहीं बस। और ये जो मेरी अम्मी की कज़न नहीं बताई थी मैंने आप लोगों को, जो बेटी किचन में सालन पका रही थी, ये उसका बेटा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है और बहुत हंसता रहता है। इसको ये मेरा कंगन चाहिए थे, ये इतनी कोशिश की खोलने की, इतनी कोशिश की पे खुल ही नहीं रहा था, और ना खुल रहा था तो ये गुस्सा कर रहा था, फिर छोड़ दिया गुस्से से, फिर मेरे पास नहीं आ रहा था क्योंकि ये खुल नहीं रहा था। कंट्रोल। टी के ज़्यादा तो हम क्रेज़ी नहीं है। वेल अभी ये मेरी छोटी कज़न है जो मेरे लिए टी लेके आई थी, सबको सर्व किए जा रही थी, मुझे दे के जा रही थी, जो मेरे साथ बाजू बैठे थे उनके देना तो वही भूल ही गई। तो बोला कि इसके चक्कर में मैं भूल गई, मैंने कौन, मैंने क्या बोला तुम्हें, मुझे मुझे देखो तुम चाय दो ना सबको।
तो यही बस, तो ये हम टी पी रहे थे और ये मुझे देख रहा था, ये टी का बहुत ज्यादा लवर है तो इसको टी चाहिए। बच्चों को ज्यादा टी देनी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी बोन्स में ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है टी की वजह से, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है। टी मना करते हैं डॉक्टर, सो बच्चों को बिल्कुल भी टी नहीं दी जाए। तो वेल आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।